नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे किम्स लिमिटेड पे, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ये वीडियो बनाना बेहतर समझा। कंपनी 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के सेक्टर में है। इसके कई हॉस्पिटल्स हैं और ढेर सारे हॉस्पिटल्स की एक्विजिशन में लगी हुई है, और ये अपने हॉस्पिटल्स में नई नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रही है, जो अभी जी हेल्थ केयर और विप्रो के साथ में इसने एक समझौता भी किया है। पिछले 5 सालों के रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की बात अगर करते हैं, तो 2020 में 789 करोड़ का रेवेन्यू था, 121 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 932 करोड़ का रेवेन्यू था, 188 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 1143 करोड़ का रेवेन्यू था, 278 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 1132 करोड़ का रेवेन्यू था, 252 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 1222 करोड़ का रेवेन्यू था और 235 करोड़ का प्रॉफिट था। ईपीएस की बात करें तो 2020 पे 16.26, फिर 25.2, फिर 35.04, 31.55, 29.41। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 2020 में 0.24, 0.13, फिर 0.01, फिर 0.00, फिर 0.17। रिवेन्यू, पिछले 5 सालों का रिवेन्यू 789 करोड़ से 1222 करोड़, दोगुने से थोड़ा कम। कंपनी ने हर साल रिवेन्यू को बढ़ाया है और ठीक ठाक मार्जिन से बढ़ाया है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, कंपनी ने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है, हर साल प्रॉफिट को बढ़ाया है, और इस बीच में कई एक्विजिशंस भी किए हैं। ढेर सारे हॉस्पिटल्स को अपने ग्रुप में मिलाया है, परचेस किया है और एक्विजिशन किया है। तो कंपनी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, और अपने साउथ में इनका काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, तो ये साउथ में काफ़ी एक्विजिशंस कर रही है, एग्रेसिव एक्विजिशंस कर रही है। निश्चित रूप से ये अपने शेयर की वैल्यू को अनलॉक करने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में 298 करोड़ का रिवेन्यू, 62 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 23 में 316 करोड़ का रिवेन्यू, 66 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 23 में 302 करोड़ का रिवेन्यू, 58 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 24 में 305 करोड़ का रिवेन्यू, 48 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 में 327 करोड़ का रिवेन्यू, 60 करोड़ का प्रॉफिट। जून 23 क्वार्टर को जून 24 क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो 298 के मुकाबले 327 करोड़ का रिवेन्यू और प्रॉफिट 62 से 60। प्रॉफिट लगभग बराबर है, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा हुआ है। रिवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट एक दिन बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट बेहतर। एफआईएस के शेयर 15.85%, डीआईएस के शेयर 32.29%, पब्लिक के शेयर 13.03%, प्रोमोटर के शेयर 38.82%। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.17, 1 से कम है, लेकिन कर्ज है कंपनी पे। रिजर्व और सरप्लस 1748 करोड़ का, बोरोइंग से 1355 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट है 157 करोड़ का। फेस वैल्यू 2 रुपये, बुक वैल्यू 46.65, 52 वीक लो 187.51, 52 वीक हाई 580.0। शेयर का प्राइस 18 अक्टूबर 2024 को 538.90 रुपये, स्टॉक का पी 91.62, सेक्टर का पी 88.10। डिविडेंड यील्ड की अभी कोई हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक स्टॉक के पी की बात है, लगभग सेक्टर के पी के बराबर ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक हाई 580 रुपये था, और स्टॉक जो है उसे 40 रुपये नीचे है। लेकिन कंपनी के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश हैं। कंपनी एग्रेसिव तरीके से ढेर सारे हॉस्पिटल्स का एक एक करके एक्विजिशन कर रही है, और अपने हॉस्पिटल को टेक्नोलॉजी से समृद्ध कर रही है। हाईली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को इन्वेस्ट कर रही है। प्रभुदास लीलाधर ने रेकमेंड किया था 8 अगस्त 2024 को। प्राइस थी रेकमेंडेशन के 437.66 रुपये, और टारगेट प्राइस उन्होंने रखा था 2400 रुपये। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने 6 जून 2024 को रेकमेंडेशन प्राइस दी थी 367.68 रुपये, और टारगेट का प्राइस रखा था 2164 रुपये। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने
19 मई 2024 को रिकमेंडेशन की प्राइस रखी थी 390 रुपये और टारगेट का प्राइस रखा था 323 रुपये। दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इस केवल इस वीडियो के बेस पे इस शेयर को न तो खरीदें न तो बेचें। ये मेरी रिसर्च है आपके रिसर्च की हेल्प के लिए, मेरी रिसर्च का हेल्प लें अपने रिसर्च के लिए और अपने सेवी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद में शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च का आउटकम है, मेरा रिसर्च ये कहता है कि ये कंपनी निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगी और हेल्थ सेक्टर हमेशा आगे बढ़ने वाला है और हेल्थ टूरिज्म से इस कंपनी को बहुत फायदे होने वाले हैं। निश्चित रूप से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स के वैल्यू अनलॉक करा के बेनिफिट जरूर दिलाएगी। जिसके पास ये शेयर है वो तो बने ही रहें, जिनके पास में ये शेयर नहीं है वो सोच सकते हैं। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।